नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में स्वागत है आपका। आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल थियोरी जो फर्स्ट यूनिट है यूजीसी नेट के सिलेबस में, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। लगभग 35 वीडियो इसके बने हैं जिनमें मैंने ये पूरा सिलेबस कवर किया है। बहुत ही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक मुझे आ रहा था या जिसका मटेरियल मेरे पास में था वो ही मैंने बनाए हो, बल्कि मैंने सिलेबस वाइज टॉपिक टू टॉपिक बनाए हैं। अगर मैंने स्वतंत्रता पढ़ाया है तो वहाँ पे स्वतंत्रवादी क्या विचार रखते हैं वो भी बताया है। अगर मैंने इक्विलिटी पढ़ाया है, जस्टिस पढ़ाया है, तो यहाँ पे जॉन रॉल्स के विचार भी पढ़ाए हैं। इक्विलिटी पढ़ाया है तो रूसो की विषमता के बारे में बताया है। तो कहने का मतलब कि बहुत ही डिटेल में मैंने टॉपिक कवर कराया है। अब बात ये थी कि मैं सीक्वेंस में ही बनाऊं, जैसे सेकंड यूनिट आ गई पॉलिटिकल थॉट, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, थर्ड यूनिट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की है, लेकिन मैंने देखा है कि इनका बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे अपने को अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल हैं, पढ़ भी लेते हैं, समझ में आ जाता है, सबका नाम भी सुना हुआ होता है। प्रॉब्लम आती है अपने को कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत होने की संभावना भी होती है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, यानी एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन भी एनालिटिकल आते हैं, टॉपिक भी एनालिटिकल है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस यूनिट को बहुत ही अच्छे से कवर करवाऊँ, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर भी देखता हूँ, सर्च करता हूँ, इंस्टीट्यूशनल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल कल्चर या राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण, तो इनकी वीडियोज़ अवेलेबल नहीं हैं। या कहीं पर जैसे पॉलिटिकल कल्चर बता दिया, कहीं पर उसके साथ में पॉलिटिकल डेवलपमेंट अलग जगह पे बता रखा है, जैसे जैसे मतलब मैटर मिलता है वैसे वैसे बताते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक टू टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वीडियोज़ बनाऊँ और इनको प्रोवाइड करवाऊँ, और जब ये कंप्लीट हो जाए सारे वीडियोस, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक कंपाइल फॉर्मेट में नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाऊँ। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, इसमें यहाँ एक टॉपिक दिया हुआ है, हित समूह है, इंटरेस्ट ग्रुप करके, ये जो इंटरेस्ट ग्रुप वाला टॉपिक है, यहाँ पर देखिए आप, इंटरेस्ट ग्रुप हित समूह है, अपने आप में एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारी अवधारणाएं हैं। हित समूह के साथ में अपन दबाव समूह को भी पढ़ेंगे। तो ऐसे टॉपिक हैं कुछ जो पर्टिकुलर, जैसे सत्तावाद, पूर्ण सत्तावाद, तो ये अपने आप में सेपरेट टॉपिक हैं। इनको अलग से जब एक दलीय व्यवस्था पढ़ते हैं, सैनिक शासन व्यवस्था पढ़ते हैं, तब भी इन्हें पढ़ना होता है, लेकिन इनके अलावा भी ये सेपरेट टॉपिक हैं। तो एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ में यहाँ पर सिलेबस को लेकर के कर रहा हूँ, जो कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का सिलेबस है। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोग जैसे फेसबुक पर पहुँच जाते हैं, यूट्यूब पर नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ यूट्यूब पर पहुँच जाते हैं, फेसबुक पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो सभी तक ये सिलेबस का जो डिस्कशन हो वो पहुँचे, ये मेरा प्रयास है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अप्रोच, उपागम। कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम दो तरीके की अप्रोच है, और परंपरागत और आधुनिक में ये कंपेरेटिव मेथड अलग है। कंपेरेटिव मेथड जो तुलनात्मक पद्धति है, ये परंपरागत उपागम की अप्रोच है। तो जो अप्रोच टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पर शॉर्ट में अपन परंपरागत और आधुनिक उपागम पर भी चर्चा करेंगे। परंपरागत उपागम का पार्ट है कंपेरेटिव मेथड, और इस कंपेरेटिव मेथड में ही एक ट्रेडिशन रूप में पढ़ेंगे अपन, और एक पढ़ेंगे मॉडर्न रूप में। इस तरीके से दो तरीके से अपन इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। कंपेरेटिव मेथड में अपन बात करें तो जैसे ट्रेडिशन में अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा नहीं, मेकियावेली के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। और मॉडर्न में मुख्य रूप से सिद्धांत आते हैं, मॉडर्न कंपेरेटिव में
व्यवस्था सिद्धांत डेविड स्टर्न का, आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत आ जाएगा। उसके साथ में हम मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम पढ़ेंगे। और यहाँ पे केवल कंपेरेटिव मेथड मॉडर्निज्म लिख दिया गया है। अगर मैं ये कहूँ तो माओ जेडांग अपने सिलेबस में शामिल कर लिया गया है। अगर मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम पुस्तकों में है तो क्या मार्क्सवादी लेनिनवादी स्टालिनवाद और साथ में माओ जेडांग, क्या इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है? क्या ये व्यवस्था इस कंपेरेटिव मेथड में नहीं आएगी? तो अपन उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। एक अप्रोच है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे कहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं जो बुक में है। उसके अलावा आप नेट के एग्जाम में देखते हैं लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 30-40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहली बार ही हम देख रहे होते हैं, जो किताबों में भी नहीं मिलते हैं। हिंदी की बुक से 60% क्वेश्चन ही आते हैं, 40% क्वेश्चन नए होते हैं, और कुछ एक 10-1% क्वेश्चन आ जाते हैं अंग्रेजी की बुक से, जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स चलती हैं, जैसे एंड्रयू हाइवुड की बुक। इसके बाद में क्या अप्रोच हो सकती है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आगे अपन देखते हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, और यहाँ पे है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। दोनों वैसे तो कहने को एक ही हैं कि इंस्टीट्यूशनलिज्म का ही नया रूप न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हो गया, लेकिन आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इंस्टीट्यूशनल है, ये संस्थागत है, और ये है इंस्टीट्यूशनलिज्म संस्थावाद। ये वाद है, ये सिद्धांत है, जबकि ये संस्थाओं के बारे में बात करता है, ये सिद्धांत नहीं देता है। यहाँ पर नए सिद्धांत निरूपित करने की बात हो रही है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में, जबकि केवल अपन इंस्टीट्यूशन में और न्यू इंस्टीट्यूशन में भेद कर लेते हैं और इसी को अपन समझ लेते हैं कि न्यू इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया है, जबकि यहाँ पे न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है। ज़्यादा जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये वाद है, ये सिद्धांत है, और सिद्धांत वो होते हैं जो पहले समस्याओं को सामने रखते हैं और फिर समस्या का समाधान भी बताते हैं। तो देखेंगे क्या है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में। पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। यहाँ राजनीतिक संस्कृति में अपन केवल राजनीतिक संस्कृति को ही नहीं पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्कृति में इनडायरेक्ट रूप से पॉलिटिकल डेवलपमेंट के सिद्धांत, पॉलिटिकल जो समाजीकरण है, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संचार, ये जुड़ी हुई व्यवस्था है, तब जाकर के पॉलिटिकल कल्चर समझ में आएगा, और हकीकत में पॉलिटिकल कल्चर का निर्माण भी तभी हो पाता है। राजनीतिक संस्कृति यानी ऐसी संस्कृति कि राजनीति के जो निर्णय होते हैं उसके ऊपर सहभागिता ले, ऐसी जनता हो जो सहभागिता ले, तब राजनीतिक संस्कृति मानी जाएगी। वो तब होगा जब राजनीतिक विकास होगा। पहले राजनीतिक विकास इस तरीके से हो कि समाज में राजनीतिक समाजीकरण बने। फिर बात आती है पॉलिटिकल इकोनॉमी की। पॉलिटिकल इकोनॉमी की यदि अपन बात करें तो इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी में अपन पढ़ेंगे मार्क्सवादी उपागम को पढ़ेंगे। इसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, कैसा है सिद्धांत, तो इसमें मार्क्स का सिद्धांत आएगा। इसमें एक निर्भरता सिद्धांत आएगा। इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अपन तो साम्राज्यवाद को पढ़ना पड़ेगा अपने को, और साम्राज्यवाद अपने यहाँ इस वाले टॉपिक से भी कोरिलेट करता है जो आप देख रहे हैं। स्टेट थ्योरी में आप देखेंगे कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट सोसाइटी, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट। ऐसा नहीं है कि मैं इनको एक ही जगह पे पढ़ाऊँगा, मैं अलग अलग पढ़ाऊँगा, लेकिन बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी क्योंकि एक ही चीज़ें हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो साम्राज्यवाद टॉपिक है वो उपनिवेशवाद का ही तो रूप था। आज जो साम्राज्यवाद अपन देख रहे हैं, जो नव साम्राज्यवाद देख रहे हैं, चाइना का मान लीजिए, या नव साम्राज्यवाद वो साम्राज्यवाद जिसने हेजेमनी स्थापित कर ली है, ग्रामसी प्राधान्य का जो सिद्धांत देता है, प्राधान्य का हेजेमनी का जो सिद्धांत देता है, वो हेजेमनी स्थापित कर ली है, वो इसमें समझना आवश्यक है। साम्राज्यवाद को यहाँ पर तीन मॉडल के रूप में अपन पढ़ेंगे। साम्राज्यवाद के तीन मॉडल विकसित हुए। एक ब्रिटेन का पूंजीवादी मॉडल था जिसने नए नए बाजार खोजने चाहे। एक यूएसएसआर का मॉडल आएगा जिसमें कुछ भी, मतलब सब कुछ सरकार के अंडर में ही उद्योगों को स्थापित किया गया था,
जितने भी उद्योग लगाए गए वो सरकार के अंडर में लगाए गए। और तीसरा मॉडल आता है जापान का राष्ट्रवादी मॉडल, जिसने बहुत ही तेज गति से ग्रोथ की और बहुत आगे निकल गया था, जिसने रशिया तक को हरा दिया था 1905 में। 1890 तक मंचूरिया चीन तक पर आक्रमण कर लिया था एक छोटे से द्वीप जापान ने, वो मॉडल साम्राज्यवाद का। तो इन चीज़ों को अपने को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी। कंपैरेटिव मेथड आपको बता दिए मैंने, कंपैरेटिव मेथड अपन दो तरीके से पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशन तरीके से और दूसरा मॉडर्न में। तो मॉडर्न में मैं बता चुका हूँ आपको मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के साथ में अपन आने वाले क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, नई अप्रोचेज जिन पर काम हो रहा है, जो नए सिद्धांत निरूपित किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर राजनीतिक वैज्ञानिक नए नए रिसर्च कर रहे हैं, वो है चाइना का मॉडल, जिसको माओ लेनिन के साथ में, स्टालिन के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। तो उपनिवेशवाद वी उपनिवेशीकरण की बात करें अपन, फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड डीकोलोनाइजेशन, उत्तर औपनिवेशिक राज्य वैश्वीकरण राष्ट्र राज्य की एक यूनिट है, ये देखिए राष्ट्र राज्य पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, यहाँ पर कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो डीकोलोनाइजेशन है और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जिसमें वेलफेयर स्टेट की बात की जा रही है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन आ चुका है और राष्ट्र राज्य की बात की जा रही है, ये जो राष्ट्र राज्य का टॉपिक है उपनिवेशवाद के, तो यहाँ से कवर होते जाएंगे। उत्तर औपनिवेशिक राज्य जो ये है पोस्ट कॉलोनियल, वो इसी यूनिट से कवर होएगा। इसमें अपन देखें तो उपनिवेशवाद में क्या पढ़ेंगे अपन, एक सेकेंड, उपनिवेशवाद और डीकोलोनाइजेशन जो है भी उपनिवेशीकरण है, इसमें अपन पढ़ेंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ, ये उपनिवेशवाद फैला कैसे, तो अमेरिका उपनिवेशवाद, दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेशिक साम्राज्य पढ़ेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया में पढ़ेंगे, जापान और यूएस में पढ़ेंगे, ये साम्राज्यवाद से भी कोरिलेट करेंगे अपन। फिर जब बात आती है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल यानी उपनिवेश विरोधी संघर्ष, उपनिवेश विरोधी संघर्ष का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो है आदर्श भारत का, आदर्श भारत मॉडल क्या है वो देखेंगे इसमें। दूसरा इसमें मॉडल देखेंगे धर्म और धर्म निरपेक्षता का, और इन दोनों को अपन पढ़ेंगे दक्षिण और पूर्व एशिया के संदर्भ में पढ़ेंगे, इसको दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में इन दोनों को पढ़ेंगे। फिर जब इसकी बात आती है, ये तो स्टेट थ्योरी आ जाएगी इस वाली यूनिट में, मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को भी यहाँ समझेंगे अपन, केवल समझेंगे लेकिन पढ़ेंगे इसको तरीके से जब पोस्ट कॉलोनियल में आ जाएंगे, लेकिन यहीं पे समझेंगे अपन। वेलफेयर स्टेट को पढ़ेंगे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे और नेशंस स्टेट को पढ़ेंगे। अब जब नेशन स्टेट्स को अपन पढ़ेंगे, राष्ट्र राज्यों को पढ़ेंगे, तो राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा आप देखिए, इसमें अपन पढ़ेंगे राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे यूरोप में और गैर यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद, अब ये देखिए यूनिट, ये है राष्ट्रवाद। तो यूरोपीय देशों में और गैर यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ग्लोबलाइजेशन वाला जो टॉपिक है ये वाला, इस ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक में ये जो है ग्लोबलाइजेशन, अब देखिए आप ग्लोबलाइजेशन में अपन पढ़ेंगे निर्धनता एवं मानव विकास को, ग्लोबलाइजेशन का संप्रभुता पर क्या फर्क पड़ा है, क्या संप्रभुता पर कोई फर्क पड़ा है, और संप्रभुता की बात आएगी ग्लोबलाइजेशन में तो बिना MNCs के बात किए ग्लोबलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs, इनके बारे में भी अपन यहाँ पढ़ेंगे। संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा है, बाहरी रूप से तो क्या प्रभाव पड़ा है, आंतरिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा है। आज यदि चाइना और अमेरिका के बीच में संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष का कोई सॉल्यूशन यानी युद्ध नहीं हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भरता मुख्य कारण है,
कि एक दूसरे पर इतनी निर्भरता है, इतनी डिपेंडेंसी हो चुकी है कि युद्ध हो ही नहीं सकता है, संभावना ही नहीं है कहीं दूर दूर तक कि युद्ध हो सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ही खिसक जाए तब अलग बात है, थोड़ा सा है भी वो किसके हुए। फिर अपने जब इसको पढ़ रहे हैं, वेलफेयर स्टेट को समझ लीजिए, तो वेलफेयर स्टेट और ग्लोबलाइजेशन में एक टॉपिक को साथ में कवर करेंगे, निर्धनता एवं मानव विकास। निर्धनता और मानव विकास के साथ में इस सिलेबस में अपने लास्ट टॉपिक दिया हुआ है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। तो उसमें यहाँ पर सिविल सोसाइटी का क्या योगदान रहा है उसको भी देखेंगे अपन, सिविल सोसाइटी के योगदान को भी देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, स्टेट थ्योरी कंप्लीट हो गई। स्टेट थ्योरी में यहाँ पे है कि डिबेट चल रही है किसमें, कि साहब कैपिटलिस्ट स्टेट ज़्यादा बढ़िया है या सोशलिस्ट स्टेट ज़्यादा बढ़िया है। तो राज्य निर्माण, इसमें जो अपन देखेंगे स्टेट थ्योरी में, यहाँ पे पूंजीवादी राज्य बेटर है या समाजवादी राज्य बेटर है, तो दोनों के मॉडल्स को समझने का प्रयास अपन करेंगे, ठीक है। और इसमें भी अपन बात करें तो पूंजीवाद में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले, तो स्टेट थ्योरी में देखेंगे अपन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देखेंगे। एक आएगा परिधीय राज्य का सिद्धांत, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति कैसी, उसमें देखेंगे परिधीय राज्य के सिद्धांत। परिधीय राज्य का सिद्धांत नव मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा दिया गया है, तो एक ये वाला सिद्धांत अपन देखेंगे। फिर जो इसमें दे रखा है कैपिटलिस्ट पूंजीवाद को दे रखा है, तो पूंजीवाद को अपन समझेंगे। इसमें उदारवादी व्यक्तिवादी अवधारणा पढ़ेंगे, उदारवादी व्यक्तिवादी के अनुसार राज्य की उत्पत्ति, राज्य का सिद्धांत, बहुलवादी के अनुसार राज्य का सिद्धांत। और एक आएगा बहुलवादी में अपन समझेंगे नव दक्षिणपंथी नव वामपंथी के संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक सामुदायिकतावाद को समझेंगे अपन, जो माइकल वॉल्जर, सेंडल, ये जो थिंकर हैं उनके परिप्रेक्ष्य में समझेंगे इसको। और जो सोशलिस्ट मॉडल है इसमें अपन यदि इसको थोड़ा सा तरीके से समझना है, जिसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी अपनी कवर करने का प्रयास रहेगा, वो है सामाजिक लोकतांत्रिक अवधारणा, मार्क्सवादी अवधारणा। इसमें अपन गांधीवादी अवधारणा को भी समझेंगे ताकि अपना पूरा टॉपिक तरीके से कवर हो जाए। राष्ट्र राज्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन राष्ट्र राज्य में और बताऊँ आपको। इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन क्षेत्रीय संगठन और राज्य, क्षेत्रीय संगठन और राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राज्यों को भी समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे अपन। फिर अपन आगे चलें पॉलिटिकल रिजिम्स। पॉलिटिकल रिजिम्स जो टॉपिक है, यानी राजनीतिक शासन प्रणालियाँ, राजनीतिक शासन की जब बात होगी, पॉलिटिकल रिजिम्स की जब बात होगी, तो एक देखिए यहाँ पे दे रखा है डेमोक्रेटिक अवधारणा और एक है नॉन डेमोक्रेटिक। दोनों संदर्भ में समझेंगे। डेमोक्रेटिक में निर्वाचन होता है, डेमोक्रेटिक में अपन बात करें तो उदार, बहुमत आधारित, मेजोरिटेरियन और सहभागी, पार्टिसिपेटरी, तीन थ्योरी है। नॉन डेमोक्रेटिक में अपन बात करें तो पैतृकवाद, अधिकारी तंत्रीय। ये जो अधिकारी तंत्रीय सिद्धांत है इसको अपन मैक्स वेबर के संदर्भ में समझेंगे, ब्यूरोक्रेसी है तो मैक्स वेबर के संदर्भ में इसको समझेंगे। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, सैन्य शासन और पूर्ण सत्तावाद, और एक है फांसीवाद। सॉरी, इसको समझते हैं अपन, इसमें पढ़ना क्या है अपने को। जरूरी नहीं कि आप वीडियोस देखें ही, जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो देखिए, अपना टाइम भी बचाइए, लेकिन जरूरी यह है कि इसमें पढ़ना क्या है अपने को। समझ में यही नहीं आता है कि टॉपिक कौन से कवर किए जाने चाहिए, कौन से नहीं किए जाने चाहिए। ये टॉपिक जब अपन पढ़ रहे होंगे तब अपन सिलेबस में एक टॉपिक देखिए, डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन यानी संक्रमण, लोकतांत्रिक संक्रमण और लोकतांत्रिक समेकन। इसको भी आप यहीं से कवर कर सकते हो, इन्हीं पद्धतियों से आप कवर कर सकते हो। इसमें
राजनीतिक शासन प्रणालियों में प्रजातांत्रिक और सर्वाधिकारवाद को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक जो सत्तावादी जो ये दे रखा है उन सत्तावादी टर्मिनोलॉजी टोटलिटेरिज्म, टोटलिटेरिज्म को अपन तानाशाही राजवंशी शासन प्रणाली के रूप में पढ़ेंगे। ये जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप दे रखा है ये भी एक्चुअल में इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन, जो यूएसए, इंडोनेशिया, लेबनान, साउथ कोरिया, थाईलैंड या वर्तमान में पाकिस्तान के संदर्भ में इसको पढ़ेंगे अपन। इसी में एकदलीय शासन व्यवस्था भी आ जाएगी। तो जब एकदलीय शासन व्यवस्था को यहाँ अपन समझेंगे तो आप यहाँ देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, राजनीतिक दल, जहाँ पे अपन एकदलीय, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणालियों का अध्ययन करेंगे। तो एकदलीय व्यवस्था टोटलिटेरिज्म में भी पढ़नी पड़ती है, और एकदलीय व्यवस्था, पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी सिस्टम जब पढ़ेंगे तब भी अपन इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया जो ब्यूरोक्रेटिक अवधारणा, यहाँ मैक्स वेबर को पढ़ेंगे, मार्क्सवादी अवधारणा को यहाँ पढ़ेंगे, और आधुनिक समय में नौकरशाही और विकासशील देशों में नौकरशाही किस तरीके से कार्य कर रही है उसको भी समझने का अपना प्रयास रहेगा। फिर आगे चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद क्या है। देखो तो संविधान और संविधानवाद को जब अपन पढ़ रहे होंगे, जिस समय अपन पढ़ेंगे तो इसमें अपन अध्ययन करेंगे कि संविधान की कौन सी व्यवस्थाएं हैं या संविधानवाद की कौन सी व्यवस्थाएं हैं। इसमें कुछ तो सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे अपने को पहले। तो एक टॉपिक आएगा इसमें राज्य निर्माण और संविधानवाद, उसमें अपन पढ़ेंगे आलमंड पावेल की योजना, विकासशील देशों में क्या अवधारणा है संविधानवाद की, फिर इसमें यूएसए मॉडल और ब्रिटिश मॉडल को यूज में लेंगे, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जब नया संविधान बन रहा होता है अभी भी तो संसदीय व्यवस्था के लिए यूएसए मॉडल, ब्रिटिश मॉडल को पढ़ा जाता है, और प्रेसिडेंशियल सिद्धांत के लिए, अध्यक्षीय व्यवस्था के लिए अमेरिकी मॉडल को पढ़ा जाता है। तो वहाँ पर अपन इन दोनों मॉडल्स को पढ़ेंगे। जब अपन इन दोनों को पढ़ेंगे तो ये वाले जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एमरजेंसी पावर एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये भी यहीं से, इन्हीं टॉपिक से कवर हो जाती है। एक यूएसए और ब्रिटिश मॉडल के साथ साथ में अपन साम्यवादी अवधारणा भी पढ़ेंगे, क्योंकि तीन तरीके की व्यवस्थाएं आज वर्तमान में देखने को मिल रही है। एक अलग ही मॉडल है साम्यवादी अवधारणा। तो देखिए साम्यवादी अवधारणा को अपन कोरिलेट करेंगे जब अपन सत्तावाद को पढ़ रहे होंगे, अपन इसको कवर करेंगे जब अपन दलीय व्यवस्था को पढ़ रहे होंगे, और साम्यवादी अवधारणा अपन तब भी पढ़ेंगे जब अपन साम्राज्यवाद की अवधारणा पढ़ रहे होंगे। तो आपस में चीज़ें कोविलेट करती हैं, सब्जेक्ट्स कोविलेट करते हैं। यदि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो बहुत हद तक अपन बहुत जल्दी, जो इतना लेंथी सिलेबस दिखता है पॉलिटिकल साइंस का उतना है नहीं, एक्चुअल में सभी चीज़ें आपस में कोविलेट की हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर इसी टॉपिक में अपन देखेंगे जो ये वाला टॉपिक है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसमें अपन फिर बाद में अध्यक्षीय संस्थात्मक प्रणाली हो जाएगी, उसके बाद एकात्मक और संघात्मक मॉडल को देखेंगे, संघवाद प्रतिमान के अंदर भी कुछ सिद्धांत आएंगे उनको भी अपन कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसके बारे में बात कर ही चुका हूँ कि लोकतांत्रिककरण और लोकतांत्रिक संक्रमण और समेकन को अपन जो निर्वाचन की पद्धति है उसके साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट की बात करते हैं अपन, विकास पहले ये समझेंगे विकास होता क्या है, किसे आप विकास कहेंगे। फिर अपन इस विकास में अपन समझेंगे भूमंडलीकरण के संदर्भ में विकास को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें निर्धनता और मानव विकास इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जो अंडर डेवलपमेंट में कवर करेंगे। इसी में डिपेंडेंसी में, तो जैसे डिपेंडेंसी हो चुकी है आज, पर राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता है, जो युद्ध नहीं हो रहा है आज यूएसए चीन में तो उसका भी कारण डिपेंडेंसी ही है। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण को ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कि वर्ल्ड का जो सिस्टम है, जो हायरार्की होती है, पदसोपान होता है, वो बदलता रहता है, कभी ब्रिटिश डोमिनेंट था, फिर यूएसए डोमिनेंट हो गया, फिर यूएसए यूएसएसआर डोमिनेंट हो गया, फिर यूएसए का विघटन हो गया, ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है।
और वर्तमान में, जैसे फुकुयामा कहता है 90 में कि अब तो इतिहास का अंत हो चुका है, जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो फ्रांसिसी फुकुयामा कहता है कि अब तो इतिहास का खत्म हो चुका है, साम्यवादी व्यवस्था असफल हो चुकी है, अब तो एक नया मॉडल केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था ही बचेगी। लेकिन ये नहीं पता था कि चाइना वापस ही साम्यवाद और पूंजीवाद का जो एक बहुत ही अलग टाइप का मिश्रण है उसको फिर से जिंदा कर देगा। तो ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में विकास को समझेंगे, भारत में विकास को समझेंगे यहाँ पे अपन, और भारत में विकास के लिए कमियों को भी समझेंगे। विकास और लोकतंत्र, ये टॉपिक दिया हुआ है, एक देखना आप। डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ विकेंद्रीकरण और सहभागिता को से संबंधित टॉपिक है। विकेंद्रीकरण और सहभागिता का टॉपिक है ये, जो भारत में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया वो इससे संबंधित है। फिर अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पावर की। स्ट्रक्चर ऑफ पावर में जो शक्ति का संरचना है उसमें अपन रूलिंग क्लास, पावर एलिट यानी अभिजन शक्ति, ये तो अभिजनवादी शक्ति के रूप में, और डेमोक्रेटिक एलिटिज्म यानी लोकतांत्रिक अभिजनवादी, ये क्या है, लोकतांत्रिक अभिजनवादी जहाँ पे जनता अभिजन बन जाती है, जनता महत्वपूर्ण होती है, लोग महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड का संविधान, वो डेमोक्रेटिक एलिटिज्म है। या जहाँ पर अपन देखने कई ऐसे देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आम आदमी की तरह बसों में सफ़र करता है, VIP कल्चर नहीं है वहाँ पर, वो भी डेमोक्रेटिक एलिटिज्म के अंतर्गत ही शामिल होता है। यह है लोकतांत्रिक अभिजनवाद, ठीक है। ये शासक वर्ग, रूलिंग क्लास, ये अभिजन को पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे अब सिद्धांत पढ़ेंगे अभिजन का, जिसमें पेरेटो, मॉस्का, मिचेल्स जैसे विचारक आएंगे, उनको अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, फाइनर को पढ़ेंगे। फिर इसमें अंतिम टॉपिक आता है अपना एक्टर एंड प्रोसेस, कर्ता और प्रक्रियाएं। ये देखिए निर्वाचन पद्धतियाँ, ये निर्वाचन पद्धति का टॉपिक है, और यहाँ पर अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉल, डेमोक्रेटिक देशों में इलेक्ट्रॉल, और यहाँ पे क्या है, निर्वाचन पद्धतियाँ। तो अपन दोनों जगह पर इन चीज़ों को समझेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था, इसमें अपन राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था में मार्क्सवादी अवधारणा को पढ़ेंगे। समकालीन दृष्टिकोण में अपन कॉलमैन, न्यूमैन और डुवर्जर को पढ़ेंगे। दलों का वर्गीकरण के अंतर्गत अभिजातवादी जनता दल को पढ़ेंगे, अभिजातवादी यूरोपीय मॉडल और अमेरिकी मॉडल को, जनता दल में यानी जहाँ पर जनता का दल होता है, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी, फाशीवादी पार्टी को पढ़ेंगे, और एक अपन मध्यवर्ती दल पढ़ेंगे जिसमें वर्गीकरण पढ़ेंगे डुवर्जर का और हिचलल और लेविन का वर्गीकरण है। इतना कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। फिर बात आती है इंटरेस्ट ग्रुप की। तो इंटरेस्ट ग्रुप डायरेक्टली तो अपने सिलेबस में इंटरेस्ट ग्रुप लिखा गया है, लेकिन दबाव समूह है को भी यहाँ पे पढ़ेंगे, और हित समूह है, OP गाबा की जो बुक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है, उसमें आलमंड, जीन ब्राडेल और मॉरिस डुवर्जर का वर्गीकरण है, उसके संदर्भ में इसको समझेंगे। और हित समूह के साथ में अपन दबाव समूह को यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर टॉपिक आता है सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन, बहुत सारे बदलावों के लिए जो सामाजिक आंदोलन चले जिनसे एक नया बदलाव आया। हकीकत में पुनर्जागरण भी एक सामाजिक आंदोलन, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यवाद, और उसके परिप्रेक्ष्य में आता है उदारवाद, उदारवाद के विरोध में समाजवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद के विरोध में, ये सोशल मूवमेंट है। जबकि न्यू सोशल मूवमेंट, नव सामाजिक आंदोलन जो आज इनका रूप बदल गया है, नारीवादी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, न्यू सोशल मूवमेंट। पारिस्थितिकीवाद, पर्यावरणवाद, ये न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत शामिल है। जो अपने सिलेबस में टॉपिक है बहुसंस्कृतिवाद का, और जो वर्तमान में अमेरिका में चल रहा है, ये न्यू सोशल मूवमेंट है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs के बारे में पढ़ेंगे अपन, और सिविल सोसाइटी कंपेन के लिए पढ़ेंगे, नागरिक समाज के बारे में पढ़ेंगे, नागरिक समाज के कुछ सिद्धांत भी ईजाद हुए हैं उनको भी अपन देखेंगे। ये पूरा सिलेबस अपना होगा, बहुत लेंथी टॉपिक है,
यकीन मानिए ये यदि बहुत अच्छे से कवर होता है तो पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट यूनिट और ये फोर्थ यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहीं पे क्लियर हो चुकी होती हैं। बेटर तो ये भी होता है कि एक बार यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझ लिया जाए तो ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन से ही तुलनात्मक राजनीति में बदलाव आता है। तो ये मेरा डिस्कशन था तुलनात्मक राजनीति सिलेबस के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आप इनको फॉलो भी करेंगे। यदि अपन बुक्स की बात करें तो इग्नू की बुक्स और एक MDU जो ओपन यूनिवर्सिटी है रोहतक में, इनके MA के जो नोट्स हैं तुलनात्मक राजनीति की जो बुक्स हैं नोट्स क्या रेफरेंस बुक में काम में आती हैं। रेफरेंस बुक का मतलब आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। तो यदि उन बुक्स को बुक से पढ़ा जाए तो ये सिलेबस बहुत हद तक कवर होता है। लॉट ऑफ थैंक्स।